एक आदमी कई दिनों से बेरोजगार था। बहुत ही गजब की तंगी चल रही थी। एक एक रुपए की जैसे मानो करोड़ों कीमत लग रही थी उसे। कैसे भी करके कहीं पे भी नौकरी मिल जाए तो कुछ राहत मिले। न्यूज़पेपर में नौकरी का इश्तिहार देखा और वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए वह आदमी निकल पड़ा। लेकिन जेब में तो सिर्फ 10 रुपए थे और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 200 रुपए का खर्चा आता है। वह सोच रहा था कि अब किससे मदद मांगू, क्या करूँ। इतना सोचते हुए वह स्टैंड पर पहुँचा कि कहीं कोई पहचान वाला मिल जाए और मुझे इंटरव्यू वाली जगह पर पहुँचा दे। काफी देर तक खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी छाने लगी कि मैं इंटरव्यू वाली जगह पर अब कैसे पहुंचूंगा। जितने में पास ही एक मंदिर था। वह मंदिर पहुंचा, दर्शन किया और सीढ़ियों पर बैठा। सीढ़ियों पर पास ही एक फकीर बैठा था। उस कटोरे में उसने देखा तो उसकी जेब से भी ज्यादा पैसे उस कटोरे में थे। इतने में फकीर उसकी हालत और नजाकत को समझते हुए बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो आदमी हंसते हुए बोला, अरे आप क्या मदद करोगे मेरी। तो फकीर बोला, अगर आप चाहो तो ये सारे पैसे आप रख लो। इतने में वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाबा आपको कैसे पता कि मुझे जरूरत है। तब वो फकीर बोला कि तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम्हें जरूरत होगी। तो वो आदमी बोला, पर तुम तो दिन भर मांग कर कमाते हो। तो फकीर बोला, अरे मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल कर जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो एक फकीर हूँ, मुझे कोई मोहमाया नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक टाइम भूख लगती है और बस कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है। मैं तो खुद ये बचे सारे पैसे इस मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। तो वो आदमी बोला, तो फिर यहाँ क्यों बैठते हो। तो फकीर बोला, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए। वो आदमी फकीर का मुंह देखता रह गया। फकीर ने उस आदमी को 200 रुपए दिए और बोला, जब तुम्हारे पास आ जाए तो वो लौटा देना। वह आदमी वो 200 रुपए लेकर इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचा। उसका सिलेक्शन भी हो गया। वह खुशी खुशी वापस आया और सोचने लगा कि चलकर फकीर को धन्यवाद दे दूं। वह भागा भागा मंदिर पहुंचा तो देखा कि बाहर सीढ़ियों पर तो भीड़ लगी थी और पास जाकर देखा तो फकीर मरा पड़ा था। वह बहुत हैरान हो गया और वहाँ लोगों से पूछने लगा, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। तो पता चला कि वह फकीर किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास न दवाई थी और न ही खरीदने के लिए पैसे। वह आदमी फकीर को देखते रह गया और सोचने लगा, उसने अपनी दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए, उसने अपनी जिंदगी खत्म करके मेरी जिंदगी बनाई। इतने में भीड़ में से एक आवाज आती है, अच्छा हुआ मर गया, भिखारी साले बहुत बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं होते। जितने में उस आदमी की आंखें भर आई और वह बोला, अरे वो भिखारी कहाँ था, वो तो मेरे लिए भगवान था। कब किसने कहा भगवान को देखा है, बस इसी तरह भगवान मिल जाते हैं।